क्या खासियत है आपके यहाँ का? दाबेली है, डोसा है, पाव भाजी है, पुलाव है, चौमिन है, पनीर चिली है, मंचूरियन है, छोले भटूरे है, दही गुपचुप है, दही पापड़ी है, भेल है, दाबेली है, दाल है, चावल है, रोटी है, पापड़ है, रायता है, सलाद है, गुलाब जामुन है। बाप रे, मतलब इतना सारा मेन्यू आप लोग देख सकते हैं। चाइनीज में जब तक आग नहीं निकलता ना ऐसे तवे से, तो मजा नहीं आता खाने में। प्राइस भी बहुत रीजनेबल है, एक बड़े रेस्टोरेंट की तरह आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रीट फूड कॉर्नर में अच्छा खासा फूड अवेलेबल कराया जाता है। प्योर वेज कैटेगरी में इससे अच्छा शॉप नहीं मिलेगा आप लोगों को ट्राई करने के लिए। दाबेली का ऑप्शन ना भिलाई में बहुत कम जगह अवेलेबल है और दाबेली का ट्रेंड सा हो गया है, तो दाबेली एक्सप्लोर करना तो बनता है। थाली में क्या क्या मिलता है? दाल है, चावल है, रोटी है, सब्जी है, रायता है, पापड़ है, सलाद है, गुलाब जामुन है, मतलब इतना चीज अवेलेबल करा। मोस्ट फेमस यहाँ का दाबेली है, जो यहाँ के ओनर की तरफ से प्रॉपर बताया गया था कि यहाँ का दाबेली ट्राई करके देखो, आप लोगों को भिलाई में इस तरीके का नहीं मिलेगा। ऑप्शन बहुत सारा है, पाव भाजी है, दाबेली है, साउथ इंडियन है, पंजाबी फूड है, छोले भटूरे का भी ऑप्शन। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सोनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीपक सोनी ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में, और इस नए वीडियो में मैं आपके लिए क्या नया लेके आया हूँ उसके लिए वीडियो को एंड तक देखिए, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज के ब्लॉग में मैं आपको लेके आया हूँ अपने भिलाई के आकाशगंगा सुपेला एरिया में, और यहाँ पे मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ न्यू जलाराम एंड दाबेली, जो कि बहुत ही अच्छा स्ट्रीट फूड कॉर्नर है अपने स्ट्रीट फूड में, और साथ में इनका मिनी रेस्टोरेंट टाइप का सेटअप है। यहाँ पे छोटे से स्ट्रीट फूड कॉर्नर में आप लोगों को बहुत सारा चीज़ रेडी होता है, जैसे पंजाबी फूड हो गया, पाव भाजी हो गया, और साथ में इनका डोसा तो है ही साउथ इंडियन में, प्लस आप लोगों को चाइनीज़ भी मिल जाएगा, एक तरीके से बोल सकते हो वेजिटेरियन फूड में सारा कुछ मिल जाता है आप लोगों को। और यहाँ पर एक और खासियत है इनका कि यहाँ पे जो फूड बनाया जाता है ना वो हमेशा पार्सल ही जाता है बहुत ज़्यादातर, और बैठ के भी खा सकते हो आप लोग, आप लोगों का मर्जी है। आकाशगंगा सुपेला कभी आते हो तो यहाँ भी ट्राई करना बनता है। अगर आप बाहर से आ रहे हो प्योर वेज में कुछ खाना है तो आप विजिट कर सकते हो न्यू जलाराम दाबेली। अभी दिखाता हूँ बाहर से कैसा दिखता है और एक प्यारा सा फूड रिव्यू आप लोगों को देता हूँ यहाँ का। तो आप लोग देख सकते हो न्यू जलाराम दाबेली का सेटअप कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा डोसा, जो कि साउथ इंडियन फूड कॉर्नर है इनका, प्लस यहाँ पे पाव भाजी यहाँ रेडी होती है इनकी। ये हो गया पाव भाजी का काउंटर, ये हो गया पुलाव का काउंटर, आप लोगों को पुलाव का ऑप्शन भी मिल जाता है यहाँ पे। उसके बाद में ये इनका चाइनीज़ फूड का कॉर्नर है, और यहाँ पे इनका रेडी होता है दाबेली। ये पूरा दाबेली कॉर्नर है, अभी दाबेली रेडी करूँगा तो मैं दिखाऊँगा। दाबेली और पनीर चिल्ली के लिए खासकर मैं आया हूँ, क्योंकि न्यू जलाराम दाबेली, जो कि इनका नाम ही है, दाबेली के नाम से फेमस है ये। प्लस यहाँ पे देखिए ये पाव भाजी का मसाला रेडी हो रहा है, इसमें अमूल बटर से रेडी करते हैं इसको, और ये शॉप बताया जा रहा है कि 15 साल से रन हो रही है। बाकी यहाँ पे आलू टिक्की का भी ऑप्शन मिल जाता है, प्लस यहाँ पे जो पनीर चिल्ली है इनका देखते हैं बनते हुए, और फैसिलिटी अच्छा खासा है। बैठने का सिटिंग कैपेसिटी की बात करूँ तो यहाँ पे सिटिंग कैपेसिटी आप लोगों को मिनिमम 30 लोगों का मिल जाएगा, ओवरऑल नीचे ऊपर मिला के आप लोग इन्जॉय कर सकते हो। बाकी अधिकतर लोग तो खड़े होकर खाते हैं स्ट्रीट फूड कॉर्नर में, तो आप लोग भी इन्जॉय कर सकते हो अपना मील यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे पाव भाजी रेडी हो रहा है, पूरा घर जैसा लगेगा कि एकदम जलाराम ऑथेंटिक घर जैसा लगेगा ना। और पाव भी अलग कैटेगरी का यूज़ कर रहे हैं आप लोग, ज़्यादातर पार्सल ज़्यादा जाता है यहाँ से, जोमेटो और स्विगी का पार्सल आप लोगों को अधिकतर मिलते हैं। न्यू जलाराम दाबेली के ओनर, और इनसे पूछते हैं कि शॉप कब से रन हो रही है आपकी? 15 साल से। 15 साल से रन कर रहे हैं, और इसकी कोई और ब्रांच है भिलाई में? नहीं है, ये इकलौती ब्रांच है। और क्या क्या खासियत है आपके यहाँ का? दाबेली है, डोसा है, पाव भाजी है, पुलाव है, चौमिन है, पनीर चिली है, मंचूरियन है, छोले भटूरे है, दही गुपचुप है, दही पापड़ी है, भेल है, दाबेली है, दाल है, चावल है, रोटी है, पापड़ है, रायता है, सलाद है, गुलाब जामुन है। बाप रे, मतलब इतना सारा मेन्यू आप लोग देख सकते हो। और भैया बताएंगे कि इतना चीज़ अवेलेबल कराते हो आप लोग, और सबसे ज़्यादा ऑर्डर क्या जाता है? दाबेली जाता है और पाव भाजी। जोमेटो में भी जाता है ये ऑर्डर?
मतलब आप सोच सकते हैं कि यहाँ का दाबेली और पाव भाजी का टेस्ट कैसा होगा। मैं यहाँ का चाइनीज़ में भी करवा लिया हूँ पनीर चिल्ली, जो कि यहाँ का खास बात है। और भैया मॉर्निंग में कितने बजे खुल जाता है? सुबह 8:30 बजे से रात को 10:30 बजे तक। सुबेरे 8:30 से रात को 10:30 बजे तक खुले रहता है ये। आप लोग भी आ सकते हो, या फिर आ नहीं पाओगे तो मस्ट ऑर्डर करो, जोमेटो और स्विगी में आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाता है ये। और कुछ खास बात, थाली भी ऑप्शन अवेलेबल है आपके यहाँ का? थाली में क्या क्या मिलता है? दाल है, चावल है, रोटी है, सब्जी है, रायता है, पापड़ है, सलाद है, गुलाब जामुन है। मतलब इतना चीज़ अवेलेबल करा रहे हैं, मतलब एक छोट सोच सकते हो आप लोग, छोटे से स्ट्रीट फूड कॉर्नर में या फिर बोल सकते हो एक मिनी रेस्टोरेंट में आप लोगों को इतना चीज़ अवेलेबल कराया जा रहा है, वो भी रिजनेबल प्राइस में। प्राइस भी बहुत कम रखा गया है यहाँ पे। मतलब आप लोग सोच सकते हो कि कितना खास बात है ये। मतलब भिलाई में इस टाइप का शॉप अपने को मिलना ही चाहिए, जो कि मिल गया है न्यू जलाराम दाबेली। 15 साल से रन हो रहा है, आप लोग भी आइए ट्राई करके देखिए। न्यू जलाराम का मेन्यू देख सकते हो, चटपटा, पंजाबी, चाइनीज़ और साउथ इंडियन, इतना सारा वैरायटी अवेलेबल है आप लोगों को। प्लस कॉन्टैक्ट नंबर भी है और आप लोग ऑर्डर भी ले सकते हो यहाँ पे, या फिर दे सकते हो ऑर्डर जैसे जोमेटो स्विगी करना है तो। तो यहाँ पे इनका डोसा रेडी किया जा रहा है और डोसा का साइज़ भी देख सकते हो अच्छा खासा है। प्लस यहाँ पे जो मसाला डाला जा रहा है ना, वो भी अलग कैटेगरी का है। और चटनी भी जो यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है ना, वो भी आप लोग देख सकते हो कि बहुत अच्छे कैटेगरी का यूज़ किया जाता है। प्लस सेटअप बहुत अच्छा खासा है, आप लोग भी आ सकते हो, साउथ इंडियन फूड भी इंजॉय कर सकते हो यहाँ पे। इसके बाद जो इनका चाइनीज़ काउंटर है, चाइनीज़ काउंटर में अच्छा खासा आप लोगों को मिल जाता है। चाइनीज़ काउंटर का देखते हैं कि क्या क्या फैसिलिटी अपने को। प्लस यहाँ पे जो सफाई है ना, सफाई मैटर करता है, सफाई आप लोगों को अच्छा खासा मिल जाता है, इसलिए लोग ना ज़्यादातर विजिट करते हैं न्यू जलाराम दाबेली। ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि स्पॉन्सर वीडियो तो नहीं है, पर जो भी सेटअप मिल रहा है ना, देख के ही बता रहा हूँ आप लोगों को, देखते साथ मेरे को जो पता चल रहा है। अभी यहाँ का चाइनीज़ में पनीर चिल्ली रेडी कर रहे हैं। भैया आपको कितना साल हो गया यहाँ पे? मेरे को 3 साल हो गए। 3 साल हो गया। और क्या नाम लिखते हैं अपना? मेरा कृष्णा। और ये शेफ में कब से हैं आप? खाना बचपने से। बचपने से खाना बना रहे हैं, तो आप लोग सोच सकते हो बचपन से जो आदमी खाना बना रहा है उसका टेस्ट कैसा मिलेगा आप लोगों को। बाकी पनीर चिल्ली यहाँ पे ना फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है, तुरंत आप लोगों के सामने में मैरिनेट किया जाएगा और बनाया जाएगा। और साथ में जो पनीर है ना, वो अपना डेयरी वाला रहता है, अब मुलायम मिलेगा आप लोगों को पनीर चिल्ली। बाकी टेस्ट में बताऊँगा टेस्ट में कैसा है। तो आप लोग बनाने का तरीका देखिए इनका, चाइनीज़ में जब तक आग नहीं निकलता ना ऐसे तवे से, तो मज़ा नहीं आता खाने में। बाकी यहाँ पे अच्छे तरीके से पनीर चिल्ली बनाया जाएगा। और जो बताया ना पनीर चिल्ली की खासियत, तुरंत यहाँ पे मैरिनेशन किया जाता है पनीर को, और उसके बाद डाला जाता है अपना पनीर चिल्ली कॉन्सेप्ट में, और फ्राई भी तुरंत किया जाता है। ऑयल भी अच्छे कैटेगरी का यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग छोले भटूरे रेडी किया जा रहा है, जो कि पंजाबी फूड में आता है अपना, मैदे का रहता है ना, खमीर उठाया जाता है इसमें। इसका सेकने का प्रोसेस क्या है भैया? बहुत लोगों से बन नहीं पाता ये घर में। घर का बात अलग है, स्ट्रीट फूड का बात अलग है, इसलिए तो लोग बाहर आते हैं स्ट्रीट फूड कॉर्नर में टेस्ट करने के लिए। छोले भटूरे बहुत बार ट्राई किया मैं घर में, बिल्कुल बन ही नहीं पाता। देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से फूल जाएगा अब देखिए, और घर का जो बनाओगे ना उसका टेस्ट ही बिगड़ जाता है। अब कई लोग दिखाते हैं रेसिपी, ईस्ट डालो, दुनिया भर का डालो, उसमें नहीं बन पाता। ये सोडा वाला है क्या अपना? क्या चीज़? बेकिंग सोडा। देखिए आप लोग कितने अच्छे तरीके से फूला है यहाँ पे भटूरे, जो इनका देख सकते हो आप लोग, ऐसा भटूरे ट्राई करना बनता है। मोस्ट फेमस यहाँ का दाबेली है, जो यहाँ के ओनर के तरफ से प्रॉपर बताया गया था कि यहाँ का दाबेली ट्राई करके देखो आप लोगों को, भिलाई में इस तरीके का नहीं मिलेगा। कौन कौन सी चटनी लगा रहे भैया पाव में? खजूर की चटनी, फिर लहसुन लाल मिर्च, और ये सब असली कमाल तो इसका रहता है दाबेली में, जो यहाँ पे फिलिंग डाला जा रहा है ना, इसका भैया सीक्रेट नहीं बताएंगे, क्योंकि ये सब जन का सीक्रेट होता है दाबेली में। और बनाने का तरीका भी यूनिक है। प्लस यहाँ पे दाबेली में मसाला देख सकते हो कौन सा डाला जाता है, और क्या क्या डालेंगे उसमें? बटर यहाँ पे अमूल का यूज़ किया जा रहा है। प्लस यहाँ पे न्यूट्रीलाइट भी यूज़ करते हैं, आप लोगों को जिसमें चाहिए उसमें बनवा सकते हो आप लोग। स्मेल जो आ रहा है ना, वो देखने लायक है, क्योंकि दाबेली सेंटर में अगर आप लोग खड़े रहोगे, वहाँ स्मेल नहीं मिला तो कोई मज़ा नहीं आता फिर। तो वेज स्ट्रीट फूड कॉर्नर का यही खासियत है, मस्ट इन्जॉय करो आप लोग। वीडियो देखने में आप लोगों को लालच आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बनाया जा रहा है ना वेज फूड में, ऑप्शन बहुत सारा है, पाव भाजी है, दाबेली है, साउथ इंडियन है, पंजाबी फूड है, छोले भटूरे का भी ऑप्शन है। मेन्यू दिखा देता हूँ यहाँ का, यहाँ पे अच्छे तरीके से सेका जा रहा है दाबेली को, और इसको तुरंत सर्व करेंगे ना। और इसमें क्या क्या डालेंगे चटनी में? अच्छा, यही चटनी फिर से डलेगा उसमें, अलग से दिया जाएगा? अच्छा, और लगेगा इसमें। मोस्ट फेमस यहाँ पे जो दाबेली है ना, ये बटर में रेडी हो रहा है, तो इसका टेस्ट जो है ना आप लोगों को एक यूनिक लेवल का मिलता है। बाकी दोनों चीज़ ट्राई करते हैं, बनते हुए आप लोग देख लिए,
और वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए न्यू जलाराम दाबेली का जो सबसे ज्यादा फेमस है दाबेली वही ट्राई करके देखता हूँ। इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये 40 रुपये पड़ता है आप लोगों को, बहुत अच्छा खासा टेस्ट लगेगा मेरे को क्योंकि यहाँ पे बटर में जो धो धो के इसको फ्राई किया गया है ना वो आप लोग देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। चलिए ट्राई करके देखते हैं क्योंकि दाबेली का ऑप्शन ना भिलाई में बहुत कम जगह अवेलेबल है और दाबेली का ट्रेंड सा हो गया है तो दाबेली एक्सप्लोर करना तो बनता है। 2-3 जगह का मैं दाबेली जरूर ट्राई करके आप लोगों को वीडियो दूंगा जहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस है। सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ का लगता है पता है मेरे को? राजनंदगांव का मैं दाबेली ट्राई किया था जो कि श्री राम दाबेली करके नाम है उसका, रेलवे स्टेशन रोड में पड़ता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है भाई। वहाँ के कंपेरिजन में देखते हैं कि न्यू जलाराम का टेस्ट कैसा है। यहाँ का ब्रेड आप लोगों को एकदम सॉफ्ट मिलेगा और अंदर का जो मसाला है ना दाबेली में वही खासियत है और बहुत बढ़िया लग रहा है टेस्ट में। खजूर के चटनी का जो टेस्ट आ रहा है ना वो आप लोग समझ नहीं पाओगे। यहाँ आके ट्राई करोगे ना या फिर घर में मंगा के जोमेटो में ट्राई करोगे ना तो ही आप लोगों को समझ में आएगा, बहुत बढ़िया टेस्ट लग रहा है। दाबेली की सबसे खास बात होती है उसके अंदर में जो फली डाला जाता है ना एकदम इन्हेंस कर देता है टेस्ट को। तो ये होगा दाबेली का रिव्यू। अब देते हैं यहाँ के पनीर चिल्ली का, जिससे कि पता चल जाएगा यहाँ पे जो न्यू जलाराम रेस्टोरेंट है ना इसमें सारा आइटम कैसे टेस्ट है। मसाला डोसा भी बहुत बढ़िया होगा यहाँ का टेस्ट में। अभी यहाँ का पनीर चिल्ली ट्राई करके देखते हैं। क्वांटिटी देख सकते हो आप लोग, पनीर चिल्ली का अच्छा खासा मिल जाता है आप लोगों को, 100 रुपये हाफ इसका प्राइस है। बहुत जगह तो ज़्यादा हो गया है प्राइस, 120 रुपये तक चले गया है, यहाँ पे 100 रुपये में ही दिया जा रहा है। पनीर भी अच्छे क्वालिटी का है, देखते हैं मुलायम है कि नहीं टेस्ट में। मज़ा आ गया भाई, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि पनीर चिल्ली ट्राई कर रहा हूँ, नॉन वेज आइटम ट्राई कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है। इस तरीके से बनाया गया है क्योंकि यहाँ के जो शेफ़ है ना 3 साल से यहाँ से हैं पर प्लस बचपन से खाना बना रहे हैं, तो बचपन से बनाने वाला खाना आदमी कैसा टेस्ट देगा आप लोग सोच सकते हो। और चाइनीज़ में हाथ ना बहुत दूर दूर तक कोई टच नहीं कर सकता इनका, क्योंकि यहाँ का जो पनीर चिल्ली है ना एक अच्छे से तंदूरी फ्लेवर भी दे रहा है, बारबेक्यू प्लस जो अपना टॉस करके बनाया गया ना सॉस में, सॉस का कैटेगरी यहाँ का बहुत अच्छा है। आप लोग भी आ सकते हो, मस्ट ट्राई करना यार, बार बार बोलता हूँ इसलिए क्योंकि आप लोगों को लगे कि हाँ आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जहाँ का मेरे को टेस्ट अच्छा लगता है ना वहाँ का तारीफ़ करने से मैं थकता नहीं हूँ, क्योंकि स्ट्रीट फूड लवर मैं भी हूँ आप लोगों की तरह। जब टेस्ट अच्छा नहीं मिलेगा तो मज़ा क्या आएगा यार वीडियो बनाने में, तो जो भी वीडियो बनाया हूँ उसको पूरा देख लिया करो। आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हो, ये सबसे गलत बात है, और सब्सक्राइब करो चैनल को, ग्रोथ करने में हेल्प करो, थोड़ा अच्छा अच्छा जगह विजिट करेंगे, भिलाई कितना ही दिखाऊंगा आप लोगों को। चलिए आज का वीडियो इसी के साथ एंड करते हैं, मिलता हूँ अगले वीडियो में ऐसे ही किसी अच्छे लोकेशन के साथ में, और यहाँ आना आप लोगों को बनता है, मस्ट विजिट करो। चलिए बंद करते हैं आज के।